Yo, what is up guys? Finally we are back again with another brand new gameplay with Granny Chapter 1 remake. तो हाँ भाई, आज ना Granny Chapter का 1 का remake आ चुका है जैसे कि तुम्हें दिख रहा है, और ये game बिल्कुल Granny Chapter 1 की तरह ही होने वाला है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा real होने वाला है guys. तो आज पता नहीं इसके अंदर हम car escape करने जा रहे हैं, वो हो पाएगा कि नहीं I don't know, और कौन कौन से आइटम ढूंढने पड़ेंगे, शायद वो जो Granny Chapter 1 में थे वही आइटम तो नहीं ढूंढने बस. लेकिन यार अब पता नहीं क्या होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो. इस घर से निकलना है कैसे भी करके ग्रैनी के. आज पता है भाई तुम्हारे भाई की बहुत ज्यादा फटने वाली है. ये गेम के अंदर में घुसते ही ऐसा लगता है ना कि भाई मैं सच में रियल में ग्रैनी के घर में फंसा हुआ हूं. तो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं. और देखो ये वही वाली जगह है जहां पे हम ग्रैनी चैप्टर 1 में सामने वाले जो मेन डोर होता है, जो एक्स्ट्रा लॉक वाला डोर होता है, वहां से भागते हैं. लेकिन इसमें देखो जो स्टार्टिंग हुई है हमारी, वो स्टार्टिंग हुई है उसी गेट से. तो यहां पे जो हम एक जो बंदा है ये जो चल रहा है, ये पूरे उसमें घूम रहा है जंगल में, और जंगल में घूमने के बाद इसको एक घर दिखाई देता है जो कि ग्रैनी का घर है. और भाई इसकी किस्मत इतनी ज्यादा ही खराब है कि ये ना ग्रैनी के घर की तरफ ही बढ़ता हुआ जा रहा है. तो गाइस अब पता नहीं क्या आने वाला है, मुझे पता है ग्रैनी इसको यहां पर पक्का धरेगी और इसको कमरे के अंदर बंद कर देगी. तो आगे ना बिल्कुल रास्ता मेरे को लग रहा है जाम है. तो ये बोल रहा है भाई, यहां पर जूम करता हूं मैं थोड़ा सा, और यहाँ पे मेरे को एक घर दिख गया. तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये घर यहाँ पे बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में क्या कर रहा है. वाप रहे मेरे को लगी भाई इसके अंदर जो ग्रैनी का फेस है ना गाइस, वो भी बहुत ज्यादा डेंजर है. लेकिन अभी तो देखो इतना ज्यादा वो डेंजर लगा नहीं, क्योंकि वो उसने तो पीछे से हमें धर लिया. लेकिन अब सारा गेम का मसला स्टार्ट होता है, और अब इतनी फट रही है मत पूछो कि पता नहीं कुछ कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे. तो देखो आज मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ. पहले तो इतना ज्यादा रियल लग रहा है. देखो ये वही घर है जहां से गेम की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट डे की. तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी उन्होंने जो कि बहुत ज्यादा. बाप रे सामने से ग्रैनी गई मेरे, अच्छा हुआ मैंने ना दो कदम और आगे नहीं रखा, वरना तो भागो. देख लिया मम्मी, निकल निकल निकल. घंटी भी सेम, ये वही वाला दरवाजा है. ओ तो यहाँ पे ये वाली जो कार है गाइज, इससे भागना है हमको, इसी से एस्केप करेंगे आज की इस वीडियो में. तो ये भाई ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई बहुत ज्यादा, और ये हवा में तैरती हुई क्यों आ रही है. इसके लिए मेरे को कार की बैटरी और इसकी व्हील्स वगैरह भी ढूंढने गाइज, जैसा कि तो तुम्हें दिखाई दे रहा है. बट ये ना इसको पहले चकमा देना पड़ेगा, निकल यहाँ से. और ये तो गाइज पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, मैं जहां भी जा रहा हूँ ये तो मेरे पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही, उड़ती फिरू मस्त मगन में. गाइज फाइनली गैसोलीन मिल गया है, तो गैसोलीन को लेके मेरे को बस कार में डालना है. इससे पहले मैं दो चार जगह और भी चेक कर लेता हूँ. तो जैसे कि गाइज देखो इसके अंदर हमने इतनी बार इसको खेला है कि भाई ये तो कन्फर्म हो गया है कि मेरे को ये जो चीजें मिल रही है ना, मेरे को इतना तो पता है कहाँ कहाँ पर रखी हुई है. लेकिन इसमें दो चार चीजें और ज्यादा न्यू डाली गई है, वो है एक इसके जो सामने में देखो ये बर्फ वाला है ना, जहां पे हम कद्दू को काटते हैं. याद होगा तुम्हें जब हम फर्स्ट ग्रैनी चैप्टर 1 खेलते हैं, उसके अंदर हमें जब कद्दू मिलता है बड़ा वाला तरबूज, उसको काट के उसके अंदर से सेफ की मिलती है. तो वो वाले एरिया में ना इन्होंने एक और घर बना दिया है, तो वो वाला घर हमारे लिए नया है. बाकी तो सब कुछ इसके अंदर सेम लग रहा है और बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है. तो ग्रैंडपा की कार यहां पे खड़ी हुई है, लेकिन ग्रैंडपा 1 में तो नहीं है ना. अब 2 का रीमेक अगर आएगा तो गाइस इसके में ना मेरे को व्हील्स करके ढूंढने हैं, तो इसके अंदर टायर्स लगाने, जितने भी टायर मिसिंग है ना, तो 4 टायर मिसिंग है. पहले तो 4 टायर्स को हमें ढूंढना है कैसे भी करके, फिर इनके अंदर अटैच करके, फिर मेरे को एक रेडिएटर ढूंढना है और एक कार की बैटरी ढूंढनी है. ओके तो फाइनली फिर सब कुछ डन होने के बाद तोड़ते हुए दरवाजे को बाहर निकलेंगे. तो अभी हमारे पास ये ज्यादा ड्रामा करने का तो वक्त नहीं है, क्योंकि वो पूरे घर में ग्रैनी ना ऐसे घूम रही है जैसे आत्माएं घूमती है ना, वैसे सेम घूम रही है वो. तो ये देखो नीचे वाला रूम देखो, बिल्कुल पूरा का पूरा सेम है. ये देखो यहाँ पे भी सेम बिल्कुल. और ये जो गेट जा रहा है ये सीधा वहां पे निकलता है जहां पे हम कद्दू को काटते हैं. तो भाई मेरे को बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि सारी जगह पता हुआ है, तो हमें ना इतना ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ रही है. तो यहाँ पे भी गाइस कुछ भी नहीं है, और ग्रैनी की पैरों की आवाज आ रही है तो वो यही कहीं पे. लेकिन अगर उसने देख लिया, ओ इसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है, अगर मे बी अगर इसकी जरूरत पड़ी तो यहां से इसको ले जाएंगे, अदरवाइज तो. ओ यहाँ पे भी कुछ खड्डा करना है, इसके लिए खोदने के लिए भी कुछ ढूंढना है, जो नीचे अभी तुमने देखा ना वहां पे कुछ है तो उसको भी खोदना है. ओ ये देखो ये रहा वो कुआं, इसके लिए भी एक हैंडल ढूंढना है. ओ टायर मिल गया, एक टायर मिल गया गाइस, लेट्स गो. इस टायर को ना मैं फटाफट वहां रखता हूँ. चल भाई जल्दी चल, ये टायर उठा रहा है तो बहुत ज्यादा स्लो क्यों चल रहा है भाई. चल 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 जल्दी चल, आना जाए ग्रैनी ना आ जाए, क्योंकि अगर वो आ गई तो फिर मुझे इस टायर को छोड़कर ना पीछे से भागना पड़ेगा टुलू 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 करके.
गाइज मैं एक काम करता हूँ ना, सारे टायर्स को ले जाने की क्या जरूरत है, इनको ना जितने भी टायर्स मुझे मिलेंगे मैं सोच रहा हूँ उसको ना यहीं पर रख देता हूँ, ठीक है, एक एक करके। बाप रे, ये देखो ये जो जितने भी नीचे कैन दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, ये कैन ग्रैनी ने रखे इसीलिए अगर कोई भी यहाँ से निकलता है तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई गया है, टड़ंग टड़ंग आवाज़ आ जाएगी। लेट्स गो। ये देखो ये सब, ये वाली जो जगह है ना सॉरी सॉरी नई बना रखी है इसके अंदर। लेकिन मेरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ अरे एक और टायर मिल गया मुझे। बाप रे, आज किस्मत मेरी बहुत ज्यादा बढ़िया है, मेरे को दो टायर एक ही बार में मिल गए। लेट्स गो। अभी भी गाइस दो टायर मिसिंग है और पता नहीं वो दो टायर्स कहाँ पे होंगे, लेकिन मैं दो टायर्स को तो उसी जगह पर रख देता हूँ जहाँ पे मेरे को जरूरत पड़ जाए और आंखों से ना मुझे एकदम दिख जाए कि हाँ भैया मैंने यहाँ पे फेंके थे, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मुझे इस टायर को फेंकने के बाद ही तीसरे टायर्स को ढूंढना है। लेट्स गो। लेकिन मैं सारे टायर्स को इधर उधर नहीं फेंक सकता क्योंकि जब मैं एस्केप करने के टाइम पे ना मुझे यही नहीं पता चलेगा मैंने सारे के सारे टायर्स फेंके कहाँ पे थे। तो अभी मुझे को दो टायर्स मिले, अभी दो टायर्स और भी बाकी हैं और रेडिएटर और कार की बैटरी। तो ग्रैनी को पहले यहाँ पे बुला लेता हूँ ताकि वो यहाँ पे आए और मैं इस वाले दरवाजे से निकल जाऊँ। अगर वो यहाँ से आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर वो वहाँ से आई तो ठीक भी है, तो मैं आराम से निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई, भाग 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 जल्दी, गिली गिली छू। मैं कहाँ पे जाऊँ, ये देखो एक्स्ट्रा लॉक वाला दरवाजा भाई, और इसके लिए रिमोट ढूंढना है गाइस। एक मिनट देखते हैं, मैं एक बार रिमोट ढूंढ के लेके आता हूँ। रिमोट अगर मिल जाएगा ना तो वो रिमोट वाला वो जो था ना ग्रैनी चैप्टर वन में, हम रिमोट को ढूंढते थे और वो नीचे वाला जो दरवाजा था उसको अनलॉक करते, वो वाला एक बार अनलॉक। अरे रिमोट मिल गया। अरे 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 भाई आज तो किस्मत क्या ही खतरनाक। अरे बाप रे, मम्मी देख लो रे, भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी 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 जल्दी। ग्रैनी पीछे पड़ गई। आजा 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 आजा, बेड के नीचे बिल्कुल सही टाइम पर घुसा हूँ मैं। कहाँ गई, अगर वो यहाँ पे आती है, आ रही है, वुरी 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 वुरी, जाओ ग्रैनी, ए ग्रैनी तुम जाओ यहाँ से। हाँ अब मज़ा आया मुझे, अब यहाँ से इस वाले दरवाजे से निकलूँगा क्योंकि मुझे ना इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, अचानक से ना ये सरप्राइज़ कर देती है। तो बस वो दरवाज़ा अनलॉक हो जाए ना एक बार। गई क्या यार वो बगल वाले रूम में तो नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बगल फेल्ड हो रहा है, यहाँ से तो नहीं खुल पा रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीचे जाके मुझे ओपन करना पड़ेगा दरवाजा। यस, और रेडिएटर गाइस मिल गया। बाप रे बाप रे बाप रे, मैं तो गया। इसको छोड़। यार रेडिएटर उठाते ही इसकी स्पीड इतनी कम हो गई कि पूछो मत, अभी तो मेरी लंका लग जाती। गई मुझे लग रहा है वापस गई, तो मुझे गाइस रेडिएटर उठा लेता हूँ जल्दी से और कार के अंदर ना इसको अटैच करके आते हैं ताकि मेरी कार ना एटलीस्ट कम से कम थोड़ी तो रेडी हो जाए, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। रेडिएटर भाई ओ ताऊ, इसको उठा और यहाँ पे डालो इसको, क्योंकि देखो कार की बैटरी को मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कार की बैटरी भी ढूंढेंगे, लेकिन कार की बैटरी से अरे बाप रे ये कहाँ से आ गई भाई, फट जाती है, सही में फट जाती है ये जब आती है ना, और मारेगी बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला, बहुत ज़्यादा तगड़ा मारेगी ये। भाग 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 जल्दी। ओह ये वाली जो सुरंग है ना, ये वाली बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर अभी तक सीवर स्केप नहीं आया, तो मे बी शायद वो अपडेट में गाइस आ जाए, लेकिन बाकी तो सब कुछ एकदम रियल है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें कितना ज्यादा मजा आया इस वाले में। ये जो पूरी जगह जो इन्होंने रीमेक करे है मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद आया है भाई। आराम से जितने भी कैन रखे, अगर गलती से एक कैन पर भी पैर रख गया ना, ये वाला डोर जो है वो लॉक को रखा है, तो मुझे किसी और डोर की तरफ जाना चाहिए मेरे को। गाइज वो जो वहाँ पे जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी कद्दू काटते, वहाँ पे एक रूम था ना, उस रूम को अच्छे से चेक करना चाहिए था, उसके अंदर बहुत सारी ड्रॉर्स भी लगी हुई थी लेकिन पता नहीं। और एक्स्ट्रा लॉक के लिए यहाँ पे तो मुझे तुम्हें पता ही है, मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं पूरे घर में। ये किचन है देखो, सेम किचन भी बिल्कुल सेम है भाई। और ये देखो यहाँ पे एक माइक्रोवेव भी रखा हुआ है जिसके अंदर हमें ना वो व्हील करके जो मिलता है वो भी मिलता है उसी के अंदर, लेकिन यहाँ पे तो गाइज कुछ भी नहीं मिला, मक्खियाँ भिन भरा रहे कूड़ेदान के अंदर। पैरों की आवाज आ रही है, लेट मी जस्ट वेट हियर। अगर इसने खाया ना भाई ग्रैनी की शक्ल, मतलब मत ही पूछो, इतनी ज्यादा डरावनी है ना इसकी शक्ल। मुझे लगा ना ये जो डस्टबिन के पास एक जो वो बना हुआ है ना जाली टाइप की, मुझे लग रहा है उसके अंदर से शायद सीवर का रास्ता होगा, लेकिन छोड़ो यार मुझे तो कार से भागना है ना, अगली बार में देखेंगे उसको। लेट्स गो, भागो जल्दी ऊपर। ये देखो ऊपर में जहां पे एक वो भी तो रहता है, चलो ऊपर चलते हैं चलो। अरे बाप रे ये तो बिल्कुल सेम जगह आ गई, लेकिन यहाँ पे कोई भी डोर नहीं है, अदरवाइज तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है गाइस तो लेट्स गो। अब हाँ ये देखो ये वो है जो बाथरूम में जाता है ना सीधा रास्ता, जहाँ से मैं ऊपर से चीज़ें उठाता हूँ और नीचे फेंकता हूँ बाथरूम के पास, और जहाँ पे मेरी टांगें टूट जाती हैं, याद होगा गाइस तुम्हें।
ये पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ना यहाँ गाइस यहाँ पे चेक करना। बाप रे, उरी मैया, ये अचानक से आ गई। जल्दी 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 जल्दी, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बाप रे, ये क्या था? मैं तो फंस गया भाई। प्लीज मत आइयो, प्लीज मत आइयो। अरे यार यार, अरे मैया उया, खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। अरे यार, मैं फंस गया था वहां पे यार, मैं क्या करता। तो लेट्स गो, अभी दूसरा दिन हमारा स्टार्ट हो गया है। तो गाइस, इसी में हमें अभी तक हमें 2 या 3 टायर्स तो मिल चुके हैं, 2 मिले हैं ना। बाप रे, अब मैं जाऊंगा कहां से यहां से? मेरे को रॉक नीड, नहीं भाई नोट नहीं पढ़ना। दरवाजा ही गायब कर दिया इस बार तो इन्होंने, दरवाजा ही नहीं है यहां पे। ये मुझे टूटा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, इससे टूटेगा क्या? अरे हाँ, इसी से टूटेगा। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? अबे स्टोन से प्लैंक कब कब टूटने लगे। हो गया, टूट गया ना। बाप रे, ये क्या? मम्मी, ये घर ना कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है यार। अभी रुको, अभी रॉक से टूटा नहीं है अच्छे से। अरे भाई, टूटता क्यों नहीं है? ग्लिच हो गया क्या? आज तो मैं गया सही बता रहा हूं मैं। ओ बच गया, फाइनली बच गया, बच गया। मम्मी, उरे दादा, ओ टायर 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 मिल गया, एक और मिल गया, एक और टायर मिल गया। अरे फेंक दे भाई, लेट्स गो, भागो 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 भागो। टायर्स यहां से उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टायर्स तो देखो सही जगह पे मैंने रख दिया है। लेकिन अभी पहले, अरे फावड़ा मिल गया। अरे वेट, मैं जस्ट वहां से आ रहा था ना, मेरे को सामने ही दिख गया यहाँ पे कुछ तो रखा हुआ है। और मेरे को लगा, और देखो जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें दिखाया था ना, वहां पे खुदाई करनी है, तो वहां पे फावड़ा तो मेरे को मिल गया। लेट्स गो भाई, फावड़े से ना अब देखते कुछ ना कुछ तो निकलेगा। कद्दू वद्दू कुछ तो, कार की बैटरी मिल जाना गाइस तो मजा आ जाएगा। अरे कद्दू मिल गया यार, तरबूज तुझे भी अभी मिलना था। बाप रे, लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया। काट 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 बेटे। ग्रैनी, अगर मजे लिए ना तेरी ऐसी की तैसी, मेरे को प्लीज छोड़ दे, मेरे को घर जाना है। अब गाइस, इसका एक हैंडल ढूंढना है इस वाले कुएं का। आ जा, तेरे को ना मैं गोल गोल सैर कराता हूँ, जितनी जल्दी हो सके आ जा। ये अगर जितनी भी गोल गोल घूमेगी, लेकिन इसको पता क्या लगता है, इसको लगता है कि मेरे को पकड़ लेगी, बट ये ऐसा हो नहीं सकता ना। ये हवा में उड़ती हुई आ रही है और हम ना गाइस पैदल भाग रहे हैं, तो इसके लिए तो वो आसान है मेरे को पकड़ना, लेकिन हमारे लिए आसान है भाई इसको भी चकमा देना। तो यहाँ पे एक भी मेरे को अभी तक वो नहीं मिला यार, एक टायर अभी भी बाकी है। तो मुझे कार की बैटरी भी गाइस चाहिए, और यहाँ पे देखो एक टायर जो लास्ट वाला था वो यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसको ना, इस वाले जो टायर को गाइस यहीं पे छोड़ते हैं और फटाफट से चलते हैं उस वाले रूम में जो कद्दू के, जहाँ पे कद्दू काटते हैं ना वहाँ पे है। ये देखो ये वाला घर, तो लेट्स गो। वो तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया है। और यहाँ पे ना बहुत सारी, देखो ये जो सामने तुम देख रहे हो ना, ये ड्रॉर्स बनी हुई है। लेट मी चेक, अगर इसमें बैटरी मिल गई कार की तो गाइस मज़ा आ जाएगा, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कहीं ना कहीं और भी ढूंढ ही लेंगे। अभी जो कद्दू को काटा है ना, तो मे बी शायद सेफ की के अंदर भी हो सकता है, उसके अंदर मुझे सेफ की मिली है, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है मेरे को, सारी की सारी ड्रॉर्स गाइस खाली पड़ी हुई है। मेरा तो बैड लक ना जिंदगी भर चलता हुआ आ रहा है। वो ग्रैनी यहीं घूम रही है, बाप रे। इसके अंदर, इसके पीछे क्या है? अरे गैसोलीन मिल गया। अच्छा, मुझे 2 गैसोलीन की कैंस उसके अंदर डालने हैं। आएगी आएगी, पक्का आएगी। निकल ले, निकल 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 निकल। मेरे को रास्ते तो पता है सारे। अरे बाप रे, ये वाला रास्ता नहीं है। वो गया, मैं तो गया। भागते रहे, घूस बम आ रहे हैं मेरे को यार, मैं कहां पे जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहां पे है, यस, उसको तो चकमा दे दिया। तो अब ना गैसोलीन बिल्कुल फुल हो जाएगा, मैं भी शायद 2 गैसोलीन अगर डालूंगा तो कार बिल्कुल ना तेल से फुल हो जाएगी। और मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि इतनी खटारा बाइक चली, ये जो बाइक है, क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, कार को, ये चलेगी भी या नहीं चलेगी? चलनी तो चाहिए यार, जैसी इसकी हालत लग रही है। ग्रैंडपा ने इसको जैसा मैनेज किया है, तो 45 लीटर तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन और तो जा नहीं रहा, तो छोड़ देता हूँ इसको, यहीं डाल देता हूँ दोनों के दोनों गैसोलीन को। तो अब मुझे ना इसके अंदर गाइस एक काम करते हैं ना, जल्दी जल्दी से सारे जो टायर और रेडिएटर पहले लगा देता हूँ, वो टायर्स लगा के, फिर एंड में जो हमारा काम रहेगा वो ये रहेगा कि बैटरी बस एक बार मिल जाए तो तोड़ फाड़ के निकलेंगे ग्रैनी को उड़ाते हुए इस कार के अंदर से। लेकिन मेरे को अभी ना रेडिएटर लगाने के बाद और टायर्स लगाने के बाद बैटरी, यार बैटरी ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स गो, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे तैसे यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि फट तो मेरी बहुत रही है, बिल्कुल रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं घर के अंदर मैं खुद फंसा हुआ हूँ।
तो अभी ना गाइस एक काम करते हैं, रेडिएटर लगा दिया है, अब टायर्स की बारी है, तो एक एक करके ना टायर्स भी लगा ही देता हूँ, क्योंकि फिर देखो ये मैं भूल जाऊंगा मैंने टायर्स कहाँ कहाँ पे फेंके थे। तो एक टायर्स में फटाफट पेल देता हूँ, लग गया भाई, एक टायर्स लग गया, अभी भी तीन बाकी हैं, तो तीन टायर्स आराम से है तो नहीं, बच गया। कभी कभी ना वो गाइस यहाँ से अचानक आ जाती है तो, और आ गई, अरे मुझे लगा वो आ रही है, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है भाई, आ रही है, बाप रे बाप रे बाप रे। एक तो ये ना इतना स्लो चल रहा है कि पूछो मत, बस लगा दे लगा दे। आ गई आ गई आ गई आ गई, भागो। ओ भाई बिल्कुल राइट टाइम पे मैंने वहां पे उसके अंदर वो टायर ना प्लेस कर दिया था, अदरवाइज तो पता सिस्टम बैठ जाता अभी हमारा। भागो, पर एक टायर ना गाइस मेरे ऊपर में देखा था जब मैं बैठ के नीचे छुपा था ना, ये देखो ये रहा, मेरे को लगा ही था ये यही कहीं पे पड़ा हुआ है। चलो, अरे बाप रे मम्मी, इसको फेंक इसको फेंक 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 फेंक। बॉय साहब ये क्या कर रही है, इसके अंदर मकड़ी वकड़ी तो नहीं है ना, अगर मकड़ी हुई तो और सिस्टम बैठ जाएगा हमारा। ओ ऐसे करके भागेगा तेज, ओ अब मुझे समझ में आया, प्लीज आइयो मत। यस नीचे फेंक दिया मैंने, नाइस, अब वो नीचे जाएगी, देखो निकल के आ गई। अब तो अब मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि मैंने उसको नीचे फेंक दिया ना, अब आसान है, अब तो मैं कर दूंगा, इजीली कर दूंगा। वो तो इस घर का मैप को ना मेरे को पता था कि कैसे करना है इसको, नहीं तो भाई पूरा मैप ढूंढते ही रहते हम कि कहाँ जाना कहाँ पे है। अच्छा हुआ मेरे को सब कुछ पता था पहले से ही। ग्रैनी वन को खेलने का फायदा तो हो ही गया, ये एक फायदा तो हो गया कि मुझे ना पूरी की पूरी लोकेशन पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो टायर्स भी मेरे को वहीं मिल गए। अब लास्ट टायर रह गया वो यहाँ पे पड़ा था, ये रहा। और गाइस अब सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है कार की बैटरी, और वो मिलते ही मैं ऐसा भागूंगा यहाँ से कि पूछो मत, ठीक है। और मेरी दुख दुख हो रही है अगर इसने दोबारा पकड़ लिया, अभी मेरे पास 2-3 डेज हैं वैसे तो। अबे भाई लग जाए इसमें, लग क्यों नहीं रहा, ये क्या बोल रहा है, टू लीव, अरे बाप रे भाई इसके अंदर लग, हाँ मैं कहूँ लग क्यों नहीं रहा, ऐसा मत करो। तो गाइज अब ना सिर्फ एक कार की बैटरी है, और मुझे नहीं पता वो कार की बैटरी मेरे को कहाँ मिलेगी। अब कार की बैटरी को बहुत ज़्यादा गाइज ढूंढने के बाद मैं यहाँ तक पे पहुँचा हूँ, और मेरे को ना अभी तक कार की बैटरी नहीं मिली है, लेकिन फाइनली मेरे को ये ढूंढते ढूंढते एक ये मिल गया, हैंडल मिल गया, ये व्हील का हैंडल है, वो वहाँ पे जो कुआ है ना ये उसका हैंडल है। मे भी शायद अगर कार की बैटरी गाइज उसके अंदर मिल गई तो निकल जाएंगे मिनटों से पहले यहाँ से। अब तो मैं देखना चाहता हूँ जल्दी से कैसे मजा आएगा गाइज, एंडिंग में तो मजा आने वाला है कसम से, जब ग्रैनी का मुंह लगेगा ना एकदम तोतिया जैसा कि हमने यहाँ से कैसे भाग गए, भाई वो भी क्या सोचेगी, एक घूमटा घूम घूमटा घूमूं घूमटा घूमूं घूम 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 घूमूं, क्या मिला क्या मिला, बैटरी, अरे मिल गई बैटरी मिल गई। निकल लो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके अब, क्योंकि अब ग्रैनी के हद तक चढ़ गए ना तो हमारा दूसरा डे भी वेस्ट जाएगा। बस एक बार एक कार की बैटरी प्लेस हो जाए, गैसोलीन डाल दिया, टायर्स लगा दिए हैं, अब बस यहाँ से निकल के मजा आएगा। घूम तो ये यहीं पर ही है, घूम तो ये आसपास ही रही है मेरे, और मुझे ना बहुत ज़्यादा गाइस डर लग रहा है, डर इस बात का लग रहा है कि अब ये ग्रैनी वो ग्रैनी नहीं है जिस ग्रैनी को हम मारते हुए आए हैं, और शॉटगन वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये है भाई मार भी नहीं सकते इसको। तो यार गाइस सब कुछ कर दिया मैंने, लेट्स गो, अब निकलने का टाइम आ गया है। ये भाई तोड़ता हुआ, इसके लिए अच्छा पैडलॉक की नहीं मिली मेरे को, तो भाई 1, 2 और 3 ये हो गया हमारा एस्केप, और चला तले इसको भाग भाग के भाई। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर मजा आया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आया इसके अंदर, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने ना, मिलते हैं अगले एपिसोड में।